न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, कभी कभी वेटेड मीन निकालने को आ जाता है। सर ये वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन रेफर्स टू द एवरेज व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। आपका पेपर 50 मार्क्स का, आपका पेपर भी 50 मार्क्स का, आपका पेपर बहुत इजी, आपका पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, आपके आए 30, आपके आए 25, आपका पेपर बहुत इजी, हाईएस्ट 49, 50 बच्चों में से 10 के 40s में, ठीक है, बट आपके आए 30, आपके 50 में से आए 25, हाईएस्ट 27, तो 30 बेटर है जिनके स्कूल में हाईएस्ट 49 है और मेजॉरिटी के बॉय मेजॉरिटी क्या मतलब बहुत हो गए 40s में, या 25 बेटर है जहां पे हाईएस्ट 27 है और आधी क्लास फेल हुई है। अक्सर ऐसा एमवीएन में देखा जाता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, अच्छा स्टैंडर्ड होता है, डिफिकल्ट होता है 50% अकाउंट्स में जनरली ऐसा होता है। पॉइंट इज 25 बेटर या 30 बेटर, मैथमेटिकली देखा जाए तो ऑब्वियसली 30 बेटर, बट इस पूरी कहानी में अगर देखा जाए तो 30 बेटर या 25 बेटर, 25 बेटर, बट अब कहानियां तो इतनी सुना नहीं सकते तो वो क्या करते हैं कभी कभी वेट्स असाइन कर देते हैं। क्या असाइन कर देते हैं? वेट्स। तो आपको वेट असाइन कर दिया 1.5, आपको वेट असाइन कर दिया आपके स्कूल को जहां पेपर पेपर डिफिकल्ट था वहां वेट असाइन कर दिया 1.5, इसका मतलब उसका एक नंबर आपके डेढ़ के बराबर है, ठीक है ना, आपका एक नंबर उसके 1.5 के बराबर है। तो अगर आपके 25 आए हैं तो उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 से करा तो 37.5 हो गया, तो आपके 37.5 हैं उसके स्कूल के हिसाब से। तो वेट्स अगर असाइन करेंगे जब ऐसी फ्लक्चुएशन होती है, जहां पे जैसे कोविड था मेजॉरिटी लोग लॉसेस में, तो किसी कंपनी ने जिसने पहले उससे पिछले साल में 10 करोड़ कमाए थे उस साल में सिर्फ 1 करोड़ कमाए, वो 1 करोड़ कम है या बहुत है उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में सारी कंपनीज लॉसेस में ही थी मोस्टली, तो उसमें तो 1 करोड़ बहुत है, क्या प्रॉफिट में हो यही बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो गिर गई एवरेज। तो ऐसे सिनेरियोज में वेट्स असाइन कर देते हैं जब किसी चीज को इंपॉर्टेंस देनी होती है ज्यादा, कि यार इसका एक ना एक से ज्यादा है, तो आपका एक 1.5 के बराबर था, तो आपके 25 इसके स्कूल में 37.5 के बराबर हो गए अगर वेट्स असाइन हो रखे हैं। तो वेटेड मीन रेफर्स टू द एवरेज व्हेन डिफरेंट आइटम्स आर असाइंड डिफरेंट वेट्स अकॉर्डिंग, वेट्स किस बेसिस पे असाइन किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। In the computation of simple arithmetic mean, it is assumed that all the items in the series are of equal importance. तो जो हम अभी तक arithmetic mean calculate कर रहे थे उसमें तो कोई weights नहीं थे, कि सब equally important हैं, कोई weight assign करने की ज़रूरत नहीं है। However, there are situations in which values of observations in the series are not of equal importance. आपको एक कंपनी acquire करनी है, उसके पिछले 5 साल के profits हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला। तो आपने कहा वेट्स असाइन कर दो, जो लेटेस्ट प्रॉफिट है मेरे लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है तो फिर वेट्स असाइन नहीं होंगे। बात समझ आई? इफ ऑल द आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस देन सिंपल अरिथमेटिक मीन विल नॉट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गिवन डेटा, फिर वेट्स विल बी असाइंड। ठीक, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड मीन, जो भी वैल्यू है उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिग्मा एक्स अपॉन एन एक्स, हर एक वैल्यू को वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स। नाउ इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी विल डिवाइड बाय द सम ऑफ वेट्स, कितने वेट्स हैं, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। बहुत ईजी है, अभी करके दिखाऊंगा।
तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स। मीन का फॉर्मूला क्या था, सिंपल मीन का अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो सिग्मा एक्स अपॉन एन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, सिग्मा एक्स अपॉन एन यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स। तो हर एक वैल्यू को वेट से मल्टीप्लाई कर दो उसके जो भी उसको असाइन करा है, तो डब्ल्यू एक्स एक एक वैल्यू को वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, टोटल निकाला जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? तो ध्यान के रखना, वेटेड मीन में जो सबसे कॉमन एरर होता है, लोग एन से डिवाइड कर देते हैं, गलत आएगा क्योंकि आपने वेट्स असाइन करे हुए हैं, तो अब सम ऑफ वेट्स से डिवाइड किया जाएगा। ध्यान से देखेंगे, डिनोट द वेरिएबल एज एक्स, वेट्स एज डब्ल्यू। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट सिग्मा डब्ल्यू एक्स, फिर वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। इतना सिंपल कि एक ही क्वेश्चन में समझ आ जाए। क्या गिवन है हमें, सब्जेक्ट। सर अब देखो ये भी वही कर रहे हैं, इंग्लिश मैथ्स इको बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स, और मार्क्स दे रखे हैं 70, 85, 90, 80, 95। 11th का बच्चा तो नहीं हो। ध्यान से देखना, अब फाइंड आउट द वेटेड मीन इफ वेट्स आर, ध्यान से पढ़ना, 2, 1, 2, 3, 4। तो स्पेसिफिक वेट्स असाइन किए हुए हैं, तो पहले तो क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया और मार्क्स हो गए 70, 85, 90, 80, 95। अब आप वेट्स लिख दोगे, वेट्स क्या असाइंड है, 2, 1, 2, 3, 4। डब्ल्यू एक्स एक्स इंटू डब्ल्यू 140, 85, 180, 240, 4 9 36, 4 5 20, 380। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स 5 12 20 24 32 4 5 7 10 1025। वेरीफाई करेंगे, 5 8 4 12 20 28 32 32 34 5 7 10। ठीक है, सिग्मा डब्ल्यू सम ऑफ वेट 4 3 7 9 10 12। वेटेड मीन कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डब्ल्यू, वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू एक्स इज 1025, सिग्मा डब्ल्यू इज 12। ओ जीजस, 12 12 8 96, 12 8 96, 96 का मतलब 65, 12 5 60, 50, 12 24 36 48, 20, 12 1 12, 80, 12 6 72, 85.416। तो राउंड ऑफ करेंगे 85.42। आई वुड लाइक टू वेरीफाई, 1025 डिवाइडेड बाय 12, 85.42। इजी, वेरी इजी, वेटेड मीन वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट कॉन्सेप्ट है डिफरेंट है, तो इसीलिए करना जरूरी है वेटेड मीन।